वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शदेशना है और मैं आज आप लोगों के साथ एक DIY हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ। ये जो हेयर मास्क है ये आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। अगर आपके हेयर्स के जो जड़े हैं वो बहुत वीक हो रहे हैं तो ये उनको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा और आपके न्यू हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करने में हेल्प करेगा। अगर आप इस हेयर मास्क को कुछ वीक तक यूज़ करेंगे तो आप देख सकेंगे आपकी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो चुकी है और आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो डबल हो चुकी है। और आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें क्योंकि मैं इस वीडियो के बीच बीच में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके हेयर ग्रोथ को और भी ज़्यादा प्रमोट करने में हेल्प करेगा। सो अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो मे बी आप वो जो टिप्स है उसको मिस कर जाए। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें स्किप किए बिना। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस हेयर ग्रोथ मास्क को बनाने के लिए आपको सबसे पहले 1 टेबल स्पून ब्लैक क्यूमिन सीड या फिर कलौंजी दाने लेने हैं। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून मेथी दाना या फिर फेनेग्रिक सीड ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से पानी में भिगो देंगे ओवरनाइट। आपको पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है। उसके बाद ओवरनाइट भिगोने के बाद आप देख ही सकते हैं जो वो कलौंजी है और जो मेथी है वो बहुत अच्छी तरह से फूल गई है और सॉफ्ट हो चुकी है। उसके बाद मैं एक मिक्सर में इसे ऐड करूँगी। आपको पूरा पानी, आपने जितना भी ऐड किया है वो सारा पानी इसमें ऐड कर देना है क्योंकि ये जो मिक्सचर है ये आपको पहले थोड़ा रनी लग सकता है पर हम इसे ऐसे ग्राइंड करने के बाद हाफ एन आवर रख देंगे और जिसकी वजह से ये जो मिक्सचर है ये फूल जाएगा। और थोड़ा सा तो इसे ग्राइंड करने के बाद आप देख ही सकते हैं हमारा जो हेयर मास्क है उसका कंसिस्टेंसी कुछ ऐसा है। सो इस मास्क को लगाने से पहले आपको हेयर ऑयलिंग करना पड़ेगा। अगर आपका हेयर में ऑयल सूट नहीं करता तो आप, मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी एक सीरम का या फिर आप कह सकते हैं एक हेयर ग्रोथ टॉनिक का जो आप इसे लगाने से पहले यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हेयर ऑयलिंग करने के लिए फेनिग्रिक सीड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मैं उसका भी लिंक कार्ड में एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं बनाना चाहते ये ऑयल तो आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं हेयर ऑयलिंग करने के लिए। तो मैं इस हेयर ऑयल को अच्छी तरह से अपने पूरे स्कैल्प में लगाने के बाद इसे 5 to 10 मिनट्स तक मसाज करूंगी और इसे मैं ओवरनाइट छोड़ दूंगी। अगर आप चाहे तो आप ओवरनाइट नहीं भी छोड़ सकते पर आपको इस हेयर ऑयल को या फिर उस हेयर टॉनिक को लगाने के बाद आपको इसे मिनिमम 30 मिनट्स तक छोड़ देना है। उसके बाद आप ये जो हेयर मास्क है इसे लगा सकते हैं। ये जो हेयर मास्क है इसको आपको पूरे स्कैल्प में एंड पूरे आपके हेयर लेंथ में अच्छी तरह से अप्लाई करना है। हमने जो इस हेयर मास्क में कलौंजी सीड्स ऐड की है उसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट भी प्रेजेंट होता है जो हमारे हेयर को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। कलौंजी हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और अगर आपको प्रीमैच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है तो ये उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मेथी सीड या फिर फेनेग्रिक सीड में बहुत सारे विटामिंस जैसे विटामिन ए, विटामिन के एंड विटामिन सी प्रेजेंट होता है और इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कैल्शियम, पोटेशियम एंड आयरन जो हमारे स्कैल्प एंड हेयर के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फेनेग्रिक सीड में प्रोटीन एंड निकोटिक एसिड भी प्रेजेंट होता है जो हमारे हेयर फॉल एंड डैंड्रफ को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये हमारे हेयर्स के जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड हमारे न्यू हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करने में हेल्प करता है। इस हेयर ग्रोथ मास्क को अच्छी तरह से अपने पूरे हेयर एंड स्कैल्प में लगा लेने के बाद आपको इसे 30 मिनट्स तक छोड़ देना है। उसके बाद आप
शैम्पू कर लेना। ये जो हेयर मास्क है, शैम्पू करने के बाद भी आपके हेयर्स में थोड़ा सा फंसा रह सकता है, मतलब आपको थोड़े से पार्टिकल्स दिख सकते हैं, बट डोंट वरी, आपके जब हेयर सूख जाएंगे तब आप जब कॉम्ब करेंगे तो आप ये जो हेयर मास्क के जो थोड़े से पार्टिकल्स रहेंगे वो अच्छी तरह से निकल जाएंगे। आप इस हेयर मास्क को 1 to 2 times एक वीक में यूज़ कर सकते हैं। आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।